बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, बहुचर्चित चाइना शर्मा हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। लूट के उद्देश्य की गई थी महिला की हत्या। पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 2 आरोपी अभी भी फरार। लूटे गए सोने को बैंक में गिरवी रखकर आरोपियों ने लिया लोन। शिवपुरी जिले के बैराड़ कस्बे में दिन दहाड़े एक विवाहिता महिला की हत्या और लूट के मामले का पुलिस ने आज खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले में एक नाबालिग समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि अभी इस मामले में 2 आरोपी फरार हैं। महिला की हत्या लूट के इरादे से की गई थी। नई उम्र के लड़कों ने अपने शौक पूरे करने के लिए लूट के इरादे से इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। हत्या और लूट के इस मामले का खुलासा करते हुए क्या कुछ कहा पोहरी SDOP सुजीत भदौरिया ने, सुनिए पोहरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। दिन दहाड़े घर में घुसकर निमंत्रण का बहाना करके जो आरोपी अज्ञात आरोपी घर में घुसकर हत्या किए थे, उस मामले को पुलिस ने चैलेंज के रूप में लिया था। SP सर रघुवंत भदौरिया सर ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया था। घटना SP सर भी हमारे पास आए थे, उन्होंने भी निरीक्षण किया था। स्पेशल अधिकारी ग्वालियर से आए थे, उनको भी हमने घटनास्थल दिखाया था। तो उसमें बहुत सारे पेज थे, उनको पुलिस ने धीरे धीरे करके सुलझाया है। लेकिन उस पूरे घटनाक्रम में जो मृतिका के घर में आने जाने वाला एक नाबालिग बच्चा है, बच्चा इन द सेंस कि 16 साल उसकी उम्र है, वहीं पड़ोस में ही रहता है, पढ़ाई करता है, उसके साथ का जो रूम पार्टनर है वो भी इस मामले में आरोपी है। तो ये पूरी घटनाक्रम में एक मुख्य जो सुराग घटना का था वो उसी के माध्यम से मिला हम लोगों को। और वो आश्चर्य वाली बात यह है कि वो व्यक्ति जो नाबालिग है वो और उसका साथी जो भूख हड़ताल मृतका के परिजनों ने की थी वो उसमें शामिल भी रहा है। इस तरह से वो क्लू हमको बाद में डेवलप हुए। पहले मृतका के परिवार ने इसमें पीने वालों पर, इसमें का व्यवसाय करने वालों पर सख्त संदेह व्यक्त किया था। तो पुलिस ने अपनी काफ़ी ऊर्जा अनुसंधान उस क्षेत्र में लगाया, उसके क्लू डेवलप किए, लेकिन जब सफलता नहीं मिली तो पुलिस ने जो आयतन अपराधी हैं और जो उस क्षेत्र में आते जाते हैं, मृतक घर पर आते जाते हैं, उन पर बारीकी से नज़र रख के अनुसंधान किया। तो पुलिस की ये पूरी कड़ी डेवलप हुई और हमें कुल 8 आरोपियों में से 6 आरोपी हमें मिल गए हैं। और जो उनसे रिकवरी हुई है वो अब आप सभी के समक्ष रखी हुई है। 1,07,000 रुपये इन आरोपियों से हमें रिकवर हुए हैं। सोने के कुछ जेवरात हैं और एक और घटनाक्रम है कि इन्होंने जो पूरा ज्वेलरी है, जो मृतिका से लूटा हुआ पूरा धन है, वो एक गोल्ड लोन बैंक ग्वालियर का है, वहाँ ये पूरा रखा हुआ है। तो उससे हमारी बात हो गई है उन लोगों से, तो उन्होंने ये पूरा जो जेवरात है उसको नैलिन प्रक्रिया से वापस करने का कमिटमेंट भी किया है, क्योंकि हमें ये सिद्ध करना पड़ेगा कि वो पूरा ज्वेलरी है वो लूटी हुई डकैती की ज्वेलरी, तो वो हम उनको वापस दिलवाएंगे। इसके अलावा इसमें जो 2 आरोपी फरार हैं उनके लिए हमारी टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। संभवतः 1 या 2 दिन में हम वो दोनों आरोपी आपके समक्ष पेश करेंगे।